और कुछ अलग आप बताओ भाई। एक दूसरे को आई लव यू बोल देंगे। ये आप इधर पीछे से बोल रहे हैं। प्लीज 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 तब से आराम से आराम मनाएंगे। कपल्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। एक कपल बास्केट निकाली है, ये फैमिली बास्केट है, देखिए अभी कपल बास्केट की तैयारी कर रहे हैं। फिर एक नींबू मटर है कपल्स के लिए है, एक भल्ला पापड़ी है, एक नवाबी बतासा है, चटकारे लगाने के लिए खट्टा पानी है, मीठा पानी है और पुदीने का पानी है, कई प्रकार के पानी भी उनके लिए बनाया है। मैम मुझे लगता है प्यार का कोई महीना नहीं होता है, आप अगर प्यार करते हैं तो पूरे साल करिए। वैसे अगर देखा जाए तो त्यौहार का भी अपना एक महत्व होता है और ये युवाओं का ही त्यौहार है। वैलेंटाइंस डे के दिन समझ लीजिए हम लोग पहले तो घूमने जाएंगे, मॉल वगैरह मूवी देखेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से निकल के थोड़ा मॉल में घूमेंगे। किसके साथ मना रहे हैं? जिसके साथ मनाया जाते हैं। हाँ मनाया जाए, किसको दिया जाए बताइए। अब सिंगल है तो बेरोजगार है, पैसा रुपया है नहीं, किसको दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चॉकलेट क्यों खा रही हूँ, चॉकलेट बहुत टेस्टी है। आपको नहीं पता है वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है, रोज डे प्रपोज डे के बाद आज चॉकलेट डे है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना चॉकलेट खाएं और लखनऊ की सड़कों पर निकलें ये जानने के लिए कि आखिर युवा इस प्रेम के महासप्ताह को कैसे मना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता भट्ट और आप देख रहे हैं TV24। हम मौजूद हैं रॉयल कैफ़े में और यहाँ पर हमें बहुत सारे युवा दिख रहे हैं जो वैलेंटाइन वीक का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह वो इस पूरे महासप्ताह को मना रहे हैं, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे और आगे आने वाले तमाम दिनों को भी, आइए जानते हैं। तो हमारे साथ कुछ कपल्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आइए बात करते हैं हम। आपका नाम? मनीष यादव। अपर्णा यादव। अच्छा, आप लोग अपना वैलेंटाइन वीक कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये हमारी शादी के बाद हमारा पहला वैलेंटाइन है। सो मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ और ये बैंक में, सो मैं बैंगलोर से ऑल द वे यहाँ वैलेंटाइन इनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए लखनऊ आई हूँ। तो आप इस पूरे वीक में यही रही? हाँ पूरा वीक। आप कुछ प्लान्स किए हैं आपने, आपकी वाइफ बैंगलोर से यहाँ तक आई है? वो सरप्राइज है जो चीज़ मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकता। अच्छा। कुछ सरप्राइज रहने दीजिए। ऑलमोस्ट 7 ईयर से रिलेशनशिप है तो एवरी ईयर वी आर प्लानिंग समथिंग। आप लोग लव मैरिज? लव मैरिज है। और आप कुछ आपके प्लान्स क्या हैं वहाँ से यहाँ तक आई हैं, कुछ आपके भी तो होंगे? हाँ है कुछ, ऐसे हमारा सीक्रेट काइंड ऑफ एक दूसरे के लिए प्लान कर रखा है, सो अभी बता देंगे तो सारा स्पॉइल हो जाएगा। लखनऊ अभी घूम रहे हैं, फिर धीरे धीरे अब अपने होम टाउन जाएंगे, तो फुल वीक कुछ ना कुछ डिसाइड किया हुआ है। पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे? पेरेंट्स के लिए तो हर साल करते ही हैं। अच्छा। तो हाँ तभी तो फर्स्ट मिलने जाएंगे, काफ़ी टाइम से इन्होंने मिला नहीं है, पेरेंट्स के पास मिलने जाएंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयल कैफ़े में, तो यहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो वैलेंटाइंस डे को कैसे मना रहे हैं इस पूरे वीक को। हाँ वॉचिंग द मूवी ऑल्सो, सेलिब्रेटिंग एट होम, दैट इज़ वॉट वी एंजॉय, दैट्स इट। सर और कुछ अलग नहीं करते हैं? और कुछ अलग आप बताओ भाई। एक दूसरे को आई लव यू बोल देंगे। आप लोग कब से एक साथ हैं? हमारे हो गए 38 साल हो गए हम लोग के शादी के। 38 साल हो गए। और आपने कभी कुछ अलग सेलिब्रेट किया है वैलेंटाइन डे को? किस तरह से देखते हैं? बॉम्बे में थे तो हम लोग बीच पे जाते थे। हाँ बॉम्बे में थे तो हम लोग बीच पे जाते थे एंड वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। कभी 5-स्टार होटल में चले गए, डिनर कर लिया, उस तरह से रहता। हाँ तो इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयल कैफ़े में, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है युवाओं की, तो आइए इस हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर ये बताइए कि वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर है, तो क्या कुछ अलग तैयारियाँ की? नहीं कपल्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। एक कपल बास्केट निकाली है, ये फैमिली बास्केट है, देखिए अभी कपल बास्केट की तैयारी कर रहे हैं। फिर एक नींबू मटर है कपल्स के लिए है, एक भल्ला पापड़ी है, एक नवाबी बतासा है, चटकारे लगाने के लिए खट्टा पानी है, मीठा पानी है और पुदीने का पानी है, कई प्रकार के पानी भी उनके लिए बनाया है। हाँ यहाँ पर आज क्या बोलते हैं जैसे कुछ और अलग स्पेशल वेन्यू वगैरह कुछ बनाया गया है? हमारा डेली टुडे स्पेशल रहता है, आज VIP मोमेंट है, कल जो G20 है तो उसके लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं मेरे पास, तो उसके लिए मैंने फुल तैयारी किया है। अभी सारे लोग आ ही रहे हैं धड़ाधड़, अभी देखेंगे पूरी कतारें लग जाएंगी, यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उनके लिए विशेष पड़े, उनके लिए पालक कुरकुरी बन रही है, खाने से पहले एकदम सब कुरकुरे हो जाएंगे, एकदम दिल भी कुरकुरा हो जाएगा, वो भी कुरकुरा हो जाएंगे, सब मौसम भी कुरकुरा है। आइए और युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि वो वैलेंटाइन वीक को कैसे सेलिब्रेट करते हैं या कैसे देखते हैं। आपका नाम? देवांशी श्रीवास्तव। हाँ वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है, रोज़ डे, प्रपोज डे और आज चॉकलेट डे, तो आप इसको कैसे देखते हैं?
मैं एक्चुअली इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे लिए इट्स जस्ट अ यूजुअल नॉर्मल डे एंड फॉर मी दीज थिंग्स डोंट मैटर मोस्ट. आई थिंक वी शुड रीच अ लेवल आफ्टर दैट वी शुड स्टार्ट डूइंग सच थिंग्स और जो भी चीज़ें हैं. मतलब ये अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है एंड फॉर मी राइट नाउ स्टडीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट एज आई एम अ नीट एस्पिरेंट एंड सो आई नीड टू बी फोकस्ड ऑन दैट रादर दैन सच थिंग्स. मतलब अगर वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यूजुअल डे इट्स यूजुअल वेरी नॉर्मल. सेम बोलेंगी एज यूजुअल. मतलब एक सर्टेन उस पर पहुँच जाएँ उसके बाद. मतलब पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम अपना करियर बना लें उसके बाद ये सब करें तो बेटर है. और मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब करना बेकार है रादर ऑल थिंग्स, लेकिन हमारे लिए हमारा पर्सपेक्टिव पहला ये है कि पहले हम अपने गोल्स को क्लियर करें उसके बाद जो भी उसके बाद हम अपनी लव लाइफ और चॉकलेट डे प्रपोज ऐसे कैजुअल चलते रहते हैं फ्रेंड्स पर है वो जो भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा यही है कि हम पहले अपना गोल्स और वो सब क्लियर कर लें उसके बाद ही हमारे कुछ. बहुत यूजुअल है और बहुत नॉर्मल और कैजुअल हम लोग लेते हैं इन सब चीज़ों को और बस. थैंक यू. वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है, प्रपोज डे, रोज डे, अब चॉकलेट डे. तो हम भी निकल पड़े हैं सड़कों पर जानने के लिए. कुछ लोगों का कहना है कि आज के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार होता है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती. तो आइए ज़रा एक मैडम हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे जानते हैं कि वो वैलेंटाइन वीक को या वैलेंटाइंस डे को या पूरा महासप्ताह जो चल रहा है उसको कैसे देखती हैं. मैम आप वैलेंटाइन डे शुरू अब आने वाला 14 फेब को है, आप इसको कैसे देखती हैं सेलिब्रेट? आपके कुछ प्लान्स हैं? कुछ प्लान्स नहीं है मेरे लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब. जैसे नॉर्मल डेज होते हैं मेरे लिए वही ऑफिस देन घर, उसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है और मैं इन सब पे ट्रस्ट नहीं करती. और ये प्यार मोहब्बत मेरे बस की बात. ट्रस्ट क्यों नहीं करती? होता है बहुत सारे चीटिंग, जब फ्रेंड्स कर सकते हैं तो बॉयफ्रेंड पे कौन ट्रस्ट करेगा. अच्छा, तो मतलब आप बॉयफ्रेंड इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप ट्रस्ट इश्यूज हैं? बिल्कुल, हो चुका है ऐसा सीन. अच्छा, इसीलिए अब नहीं, अब बिलीव नहीं है. डेजी नहीं बनाने मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वैसे भी 14 फेब को और भी कुछ होता है जिसके हमें वेट करना चाहिए. हमारे लिए हमारी जो ये सरकार है जो ये डेज बनाने दे, मुझे तो लगता है नहीं बनाने देना चाहिए, हटा देना चाहिए. क्योंकि 14 फेब एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारे जो देश में फौजीज थे उनके लिए प्रॉब्लम हुई थी, उस दिन को ही हटा देना चाहिए, उनके लिए रहना चाहिए. बट फिर भी बना रहे आज इतने टाइम से. अच्छा, मतलब जो पुलवामा में जो हमला हुआ था, हमारे सैनिक जो शहीद हुए थे उनके लिए हमें. हाँ, ब्लैक डे. ये जो पूरा ये वीक जो चल रहा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. चॉकलेट्स है, टैडी है, वो तो हर किसी का इंटरेस्ट है कि वो बना रहे हैं जिसके लिए है. मैं ये नहीं कहूँगी गलत है, आप लोगों को पसंद है आप लोग बनाओ, नहीं पसंद है नहीं, वो लोग नहीं मनाते. 50% है 50% नहीं है, तो ठीक है जो खुशी दे वो चीज़ करनी चाहिए, इसलिए ओके है. कुछ युवा हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं वैलेंटाइन वीक को वो कैसे देखते हैं या उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सर आपका नाम? मैं आशुतोष. आप वैलेंटाइन वीक को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं या कैसे देखते हैं? मैम मुझे लगता है प्यार का कोई महीना नहीं होता है, आप अगर प्यार करते हैं तो पूरे साल करिए. वैसे अगर देखा जाए तो त्यौहार का भी अपना एक महत्व होता है और ये युवाओं का ही त्यौहार है. और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी हैं, मतलब यंग भी हैं ओल्ड भी हैं, पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव अप्रोच के साथ सबको जो है वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना चाहिए, वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करना चाहिए. और मुझे लगता है प्यार के लिए कोई महीना या कोई तारीख या कोई दिन नहीं होता है, आप प्यार बांटिए. और मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कमी है तो प्यार की है ना. तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने हम सबको इसीलिए भेजा गया है कि आप दुनिया को अपने तौर तरीक़ों से, अपने प्यार से, अपने पॉजिटिव अप्रोच से और भी खूबसूरत बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है इस दुनिया में ना प्यार की बहुत कमी है. मतलब प्यार की बहुत कमी है, किस हिसाब से? मैम इन पहलुओं पर आप मतलब नज़र डालते हैं, दृष्टि डालते हैं ये कहते हुए कि प्यार की इस दुनिया में बहुत कमी है. मैम प्यार की कमी क्या है, जैसे प्यार ना दो तरीके से होता है, ठीक है. जैसे अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चल रहा है मैम, ये तो बिल्कुल एक्सपायरी डेट का कोई वो नहीं होता है. तो प्यार मतलब आप सबके साथ एक्सप्लोर करिए खुद को, सबसे प्यार करिए. और कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई लड़की है कोई लड़का है, सबको इक्वल रखिए, सबसे प्यार करिए मैम. मेरे शुक्रिया. आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ है. आप अच्छा एक चीज़ बताइए, वैलेंटाइन वीक कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं सबसे पहले? जैसा कि भाई ने बताया आशुतोष ने अभी, तो फ़िलहाल तो वैसा ही होना चाहिए जैसा वो बता रहा है. और प्यार का तो कोई महीना नहीं होता जैसे बता रहा है भाई, तो वो बता रहे हैं. आप क्या सोचते हैं? वो आशुतोष भाई बता रहे हैं, आप क्या सोचते हैं?
उन्होंने बोला, आप उनकी बात से ज्यादा अग्री कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि एक्सपायरी डेट नहीं है आज के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्यार की। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल का जो प्यार है बहुत, मतलब लोग एक दूसरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो फिलहाल तो हमें प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, और फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो तो बिलीव है, बिलीव रखना चाहिए हमें एक दूसरे के ऊपर, और बस यही। फ्रीडम की बात आप कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि प्यार में अगर आप पढ़ते हैं किसी के साथ तो आप बंध जाते हैं, फ्रीडम नहीं होती क्या आपके पास? नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग बंध जाते हैं। हाँ आप नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या, रोज डे, प्रपोज डे, टैडी डे? नहीं कर रहे हैं। किसी के साथ भी नहीं? किसी के साथ। फैमिली के साथ भी नहीं कर रहे? फैमिली के साथ तो हाँ हो ही जाते, मतलब प्यार वगैरह तो रहता ही है, लेकिन फिलहाल ये सब नहीं नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ पढ़ाई। अगर टीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि हम जिंदगी को जो है बेहतर बनाने के चक्कर में उससे उसकी खुशियाँ छीन लेते हैं, ठीक है, और बाद में सोचते क्या है बीता हुआ कल। तो फरवरी महीना है, इसको गुलाबी महीना भी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि बीते हुए कल को ना सोच के आने वाले कल के बारे में सोचा जाए और प्रेजेंट को एंजॉय किया जाए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेमोरीज़ बनेंगी, लोगों से मिले। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए लोगों के साथ, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों को, लोग उतने ही आपको प्यारे लगेंगे। इवन मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैं यहाँ पे खड़ा था, मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी देखे रहना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 5 मिनट के बाद वहाँ पहुँचा, फिर भी वो वहीं पे खड़ा था। तो ये भाईचारा, ये प्यार ही है जो हम लोगों को बांधे रखता है। क्या सोचते हैं? हाँ हमने वैलेंटाइन डे के दिन सोचा था कि मतलब पहले अपना ब्लैक डे का सेलिब्रेशन कराया जाएगा, मतलब सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। हमारी एक टीम है केओके ग्रुप का गोमती नगर में, तो उनके साथ ब्लैक डे की मतलब जो कुछ भी हो रहा है तो उसको किया जाएगा। फिर उसके बाद आफ्टर 4 o'clock के बाद जो प्लान है वो अलग अपने प्लान थे, मतलब इंपॉर्टेंस हम दोनों को दे रहे हैं। किस किस को? वैलेंटाइन डे की भी सेलिब्रेशन होगा उस दिन, मतलब हमारा ब्लैक डे भी होता है, पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसको भी हम लोग मान्य दे रहे हैं कि हाँ हमें इसको भी मनाना चाहिए। कैसे? कैसे कि जैसे हम लोग वहाँ कैंडल मार्च निकलवाएंगे अपने सब लोग साथ में, तो उसके बाद इधरी साइड आके यहाँ पे कैंडल्स रखेंगे चौराहे पे। ये था। और वैलेंटाइंस डे? वैलेंटाइंस डे के दिन समझ लीजिए हम लोग पहले तो घूमने जाएंगे, मॉल वगैरह, मूवी देखेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से निकल के थोड़ा मॉल में घूमेंगे। इसके साथ मना रहे हैं वैलेंटाइन? जिसके साथ मनाया जाता है, गर्लफ्रेंड अपनी। अच्छा फैमिली के साथ मना रहे हैं? फैमिली साथ तो नाइट में रहेंगे। अच्छा गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं जी? और कहाँ कहाँ जा रहे हैं? बस मॉल सोचा है और फोटो शूट करेंगे थोड़ी, बस ये सोचा था। और कुछ? अच्छा एक चीज़ बताइए, एक लोगों का ये भी कहना है कि आज का जो वैलेंटाइंस होते हैं एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, मतलब वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चलती, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है ना, जैसे कि बिलीव करेंगे, लॉयल फाउंड करना पड़ता है ना अपने लिए, तो जब तक लॉयल ही नहीं रहेंगे तब तक तो कैसे ही चल सकता है फिर। लॉयल्टी बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है जी। भरोसा? भरोसा भी करता है पर आज वो एग्जिस्ट नहीं करता। आज लोग ये कहते हैं कि भरोसा एक टाइम था, आप जब चिट्ठियों का समय था ना, लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, पर आज वो समय नहीं रहा। अब फ़ोन हो गया, व्हाट्सएप हो गया है, तो भाई इधर भी मैसेज कर रहे हो, उधर भी मैसेज कर रहे हो। आजकल मतलब समझ लीजिए यूथ ने मतलब टाइम पास बना लिया है कि हाँ हमें करना है तो कुछ भी कर लो, एक के साथ दो ले लो, तीन ले लो, वैसे चलता रहता है। लोग चलाते हैं, जो सीरियस होते हैं उनके वो भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी ऐसा ही करते हैं। ये एक महाशय हमारे साथ खड़े हैं, ये भी ऐसा ही करते हैं। हाँ जी, सीरियस नहीं होते लोग आजकल? सीरियस कुछ होते हैं, अपोजिट वाला सीरियस होता है पर सामने वाला नहीं होता है, तो उसके चक्कर में ट्रस्ट इशू होते ही होते हैं जी। शुक्रिया, हो गया जी। आपको ही पता होगा और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप वैलेंटाइन वीक को कैसे देखते हैं? किसको? वैलेंटाइन वीक जो शुरू हो गया, महासप्ताह शुरू हुआ है, रोज डे, प्रपोज डे, फिर अब 14 February को वैलेंटाइन डे है, आप कैसे देखते हैं? आप क्या सोचते हैं, कैसे आप मनाते हैं? नहीं बहुत अच्छा है, वैलेंटाइन डे मनाना भी चाहिए और लोगों के साथ लोगों के साथ मनाना भी चाहिए, इससे अच्छा ही है। आप कैसे मनाते हैं? मैं तो अभी कोई है नहीं, इसलिए मैं मनाता नहीं हूँ। फैमिली के साथ नहीं मनाते? कोई जरूरी है, कोई चाहिए आपको? नहीं, फैमिली मेरी बहुत दूर पे है, मैं यहाँ पे हूँ प्रेजेंट में। अभी कोई नहीं मिला आपको? नहीं अभी तक कोई तो नहीं मिला है। तभी आप उनके वीडियो बना रहे हैं? तभी उनका वीडियो बना रहे हैं। अभी तक तो कोई मिला नहीं, उसी के तलाश में है कि कोई मिल जाए। कब तक मिल जाएगा? देखिए 24 तक मिल जाएगा। अच्छा 24 में तो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हाँ तो उसे वही सोच रहे हैं कि चुनाव, हाँ उसी उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। अच्छा,
और अपने दोस्तों के साथ ही मनाते हैं आप वैलेंटाइन डे? नहीं, अभी दोस्तों के साथ तो अच्छा नहीं लगता मनाना। 2024 में अखिलेश भैया की सरकार बनेगी और दोबारा पहली बार प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उसी के अनुसार वैलेंटाइन डे तब मनाया जाएगा। मोदी सरकार में आप वैलेंटाइन डे नहीं मना पाए? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं मना? नहीं मना सकते हैं लेकिन मनाएंगे नहीं जब तक अखिलेश भैया हो जाएंगे। तो तब तक आपने शपथ ले रखी है कि जब तक अखिलेश सरकार नहीं आएगी वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे? क्यों बोलिए, आप बताइए वैलेंटाइन डे को कैसे देखते हैं आप, कैसे मनाते हैं? हम तो सिंगल पर्सन है, क्या वैलेंटाइन डे मनाए? अच्छा, सिंगल है तो वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते? नहीं, क्या मनाया जाए, इसे भी हम लोग की सरकार उरकार है नहीं। अच्छा, तो इसलिए आपकी किस सरकार की, किस कौन सी सरकार चाहते हैं? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया चाहते हैं तो अच्छा, इधर आइए आइए इधर। हाँ तो ऐसे ही बेरोजगार, एक तो सिंगल है दूसरे बेरोजगार हैं, अब क्या किया जाए जो है कि। तो अच्छा, अब वैलेंटाइन डे वीक शुरू, अब चॉकलेट भी नहीं, चॉकलेट डे रोज डे कुछ नहीं मनाते हैं? क्या मनाया जाए, किसको दिया जाए ये बताइए। अच्छा, अब सिंगल है एक तो बेरोजगार है, पैसा रुपया है नहीं, किसको दिया जाए, कहाँ से खरीदा जाए? अच्छा, सरकार बदल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? सरकार बदल जाएगी जरूर, ध्यान देंगे अखिलेश भैया। अच्छा, अब बाबा जी हैं महाराज जी, कुछ ध्यान वान दे नहीं रहे हैं। कैसा ध्यान चाह रहे हैं अब? कम से कम युवाओं के लिए कुछ सोचें। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ सोचें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ युवाओं का ये सोचना है कि वैलेंटाइन वीक या वैलेंटाइन डे जो भी है वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमी, अपनी प्रेमिका के साथ मनाने का दिन नहीं है, अपनी फैमिली के साथ भी आप उसको मना सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आप वैलेंटाइन वीक को कैसे देखती हैं, कैसे मनाती हैं? मेरे हिसाब से ये प्यार का वक्त है और ये हमारी फैमिली के ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं होता, तो हम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एज अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ। आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करके, उनको स्पेशल फील करवा के, उनके लिए कुछ स्पेशल बना के। हाँ, क्या बनाएंगे कुछ सोचा? जो पेरेंट्स बोलते हैं, स्पेशली घर पे केक बना सकते हैं, उनको पसंद आएगा। सेम ही है यही, कि अपनी फैमिली के लिए ही वैलेंटाइन डे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सेल्फ लव सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ और, लोगों का कहना ये है कि आज के जो वैलेंटाइन होते हैं एक दूसरे के, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, कभी भी रिलेशनशिप बनी और कभी भी टूट गई। वो सब दिखाने भर का होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, टेम्प्रोरी लोगों को दिखाने के लिए कि ये मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है वैसा, शो ऑफ, एज अ शो ऑफ हो गया, वो भी लोग दिखाते हैं, शो ऑफ ही होता है और क्या होता है ये सब। और आप कुछ नहीं सोचते? अगर प्यार सच्चा मिल जाए तो अच्छा, बट आज के जनरेशन में वो मिलना भी बहुत मुश्किल है कि हाँ किसी को ट्रू लव मिले और वो लास्ट टाइम तक आपका साथ दे पाए, तो वो मिलना मुश्किल है। हाँ, वो आज के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, लोग भरोसा नहीं करते हैं, नहीं करते, ट्रस्ट कोई करता ही नहीं है ना, कुछ भी आप करो उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, ट्रस्ट तो कभी कोई करता ही नहीं है एक दूसरे पे। वजह क्या है? मतलब एक समय था जब आपने सुनी, एक समय था जब लोग चिट्ठियां लिख के अपने प्यार को व्यक्त करते थे, और चिट्ठियां भी कोई छोटी मोटी नहीं, लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते थे और दूर रहते थे, आज की तरह मिल नहीं पाते थे, फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो इस पर क्या? नहीं, आज के लोग क्या है ना, इतना ज़्यादा शो ऑफ हो गया, लोग दिखा रहे हैं, इतना टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं गर्लफ्रेंड ना, कि वो लोगों के मेंटली फिट हो गया है कि अगर वो सच में कोई और सच्चा दे भी रहा है तो नहीं हो पा रहा, बिलीव नहीं हो रहा है, नहीं ये भी बाकियों की तरह ही होगा, इस वजह से बिलीव नहीं हो रहा है या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। लोगों से बात करते करते और ये जानते कि वो अपने वैलेंटाइन वीक को कैसे मना रहे हैं, मेरी चॉकलेट आदि खत्म हो गई और पिघल गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो आपने कुछ युवाओं को सुना कि वैलेंटाइन डे उनके लिए तो प्रेमी और प्रेमिका के साथ मनाने वाला दिन है, पर कुछ युवाओं का ये कहना है कि वैलेंटाइन डे उनके लिए इतना महत्व नहीं रखता, वो आम दिनों जैसा ही होता है क्योंकि प्यार बांटने का कोई दिन नहीं होता। अंकिता भट्ट, TV24, लखनऊ।